Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna review a set of brushes. Basically it's eye brushes and I bought these from Amazon. So I have done one more review of Amazon brushes on my channel, so you can click on the I button to watch it, or इस video के end में भी वो video मिल जाएगा आपको. So last time जो review किए थे हम, वो पूरा एक face plus eye brushes का set था, like face का eye brush था and eye brushes भी था. But this time I have only eye brushes and it looks something like this. These brushes are from Start Makers and last time जो brushes हम review किए थे वो भी Start Makers से था and वो उसका quality काफी अच्छा लगा मुझे. That's why I went with the same brand to buy the eye brushes. So yeah, let's talk about them one by one. So this is like the biggest brush in the set and this is a blending brush, like you can blend your concealers. So as you can see, it blended my concealer really well. So concealer अच्छे से blend हो जाता है and कोई भी brush strokes नहीं दिखेगा आपको. So yeah, I absolutely love this brush क्योंकि ऐसा कोई concealer brush था नहीं मेरे पास and I'm glad they added this in the set. Then we have this thin eyeliner brush or eyebrow brush. आप इससे अपना eyeliner भी लगा सकते हैं and eyebrows भी fill कर सकते हैं. सो एक तो ये बहुत पतला है, सो आईलाइनर के लिए ये बेस्ट है बिकॉज इससे आप एकदम मस्त वाला विंग लगा सकते हैं एंड एकदम शार्प विंग बनेगा इससे, समझ नहीं होगा बिल्कुल भी. सो या आई पर्सनली डोंट यूज दिस ब्रश टू फिल माई आईब्रोज बिकॉज इट्स टू थिन फॉर मी. लाइक अगर आपको वैसा ब्रश स्ट्रोक्स वाला आईब्रो फिल करना अच्छा लगता है देन यू कैन यूज दिस वन बिकॉज ये है काफी पतला एंड वो स्ट्रोक्स आपको मिल जाएगा इससे. But I don't like to do that for my eyebrows, so I use this only for eyeliners. So yeah, अगर आपको brush से eyeliner लगाना अच्छा लगता है then you should definitely try this one out. Then we have a fluffy blending brushes. ये brushes सारे eye brushes के set में होना जरूरी है. अगर ये brush आपको नहीं मिलेगा then वो set मत खरीदना because ये this is like the most important eye brush to do any eye makeup. So first up, you can see I have three of these here. So first up we have this सबसे बड़ा वाला and we have the medium size and ये सबसे छोटा वाला है. So obviously सबसे बड़ा वाला आप अपना आई शेडो ब्लेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं. और ये बड़ा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बिकॉज ये ऑलमोस्ट पूरे आई को कवर कर लेता है अच्छे से एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये आई शेडो स्प्रेड करने में. देन वी हैव दिस मीडियम साइज ब्रश, नहीं दिस मीडियम साइज ब्रश. नाउ ये भी वही ब्लेंडिंग का ही काम करेगा आपका, बट ऐसे अगर आप थोड़ा क्रीज एरिया में ब्लेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सही है. एंड देन वी हैव दिस छोटू वाला ब्रश. नाउ ये है काफ़ी पतला एंड छोटा, दिस इज ऑल्सो अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, तो इसको आप अपने लोअर लैश लाइन को स्मच करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए सही है बिकॉज ये ज़्यादा स्मच नहीं करते. सो या ये मेरे को लोअर लैश के लिए सबसे सही लगता है. Also these brushes are synthetic. Now इसमें mixed brushes मिलेगा आपको, like जो fiber है brushes का, like this one that I showed you for concealer blending, this is a duo fiber brush. But ये जो blending brush इन्होंने दिया है ये synthetic brush है. Then again we have two tapered brushes. These are best for crease blending because इसका शेप ही ऐसा होता है कि आपकी क्रीज में अच्छे से फिट हो जाएगा एंड यू कैन ब्लेंड इट आउट. सो या ये भी दो साइजेस में है, ये सबसे बड़ा वाला है एंड ये उससे थोड़ा सा छोटा है, बाकी दोनों सेम है, दोनों का फाइबर भी सेम है विच इज सिंथेटिक. देन वी हैव टू फ्लैट शेड ब्रश. नाउ अगेन एक ये बड़ा वाला है एंड ये इससे थोड़ा छोटा है. नाउ ये दोनों ब्रशेज भी काफी अच्छा है, बट ये जो छोटा वाला ब्रश है ये थोड़ा सा स्टिफ है, सो ये उतना पसंद नहीं है मुझे, लाइक टू पैक ऑन आई शेडो बिकॉज
उतना अच्छे से ये कलर ट्रांसफर नहीं करता आपके आईज में, बट ये जो बड़ा वाला है ये सही है मस्त वाला। सो इसको, ये जो छोटा वाला है इसको हम लाइक फाउंडेशन स्प्रेड वगैरह करने के लिए यूज करते हैं, लाइक अगर मुझे कुछ स्प्रेड करना है अपने फेस में तो उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं, या फिर आई शैडो स्मज करने के लिए, या फिर आई लाइनर स्मज करने के लिए, ऐसा कुछ। एंड ये जो है ये ऑब्वियसली आई शैडो पैक कर देता है अच्छे से, कलर सही वाला आता है इससे। सो ये दोनों ही डुओ फाइबर ब्रश है, सो यू कैन सी टू कलर्स देयर। Oh, and we also have one more flat shader brush. I don't know why they gave this. इसका fiber समझ नहीं आता मेरे को, because इसका fiber और ये जो eyeliner brush का fiber है ये दोनों same है। ये दोनों ही brush काफी soft है, ये work perfectly well. And हाँ, ये वाला जो flat shader brush है इसे भी अच्छे से eyeshadow pack कर सकते हैं आप। ये I think वो दोनों से भी ज़्यादा better है। Then we have this thin brush, this thin eyeliner brush. Now ये भी एक टाइप का eyeliner brush ही है, because जो eyeliner का bottle मिलता है उसमें भी इस टाइप का ही brush रहता है। So yeah, ये भी आप eyeliner के लिए use कर सकते हैं, eyeliner या फिर कोई भी liquid eyeshadow के लिए, so उसके लिए ये perfect है। Then lastly we have this छोटा सा brush, I think इसको inner corners में लगाने के लिए use करते हैं, I don't know what it's called, but yeah, oh pencil brush है ये। So obviously you can use this to apply eyeshadow or any glitter shimmer to your inner corners, like ये बहुत छोटा सा है, so आप इसको एक particular area में अच्छे से लगा सकते हैं। अरे brushes को I think हम most of the brushes use कर चुके हैं, and वो आपको मेरे previous makeup videos में मिल जाएगा, because हम इसको काफ़ी time से use कर रहे हैं। Start makers का जो क्वालिटी होता है वो काफ़ी अच्छा है अभी तक, इतना तो पता चल गया है मेरे को। सो अगर आप कोई भी ब्रश सेट खरीदना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इसी ब्रांड का खरीदें। एंड ये सारा ही ब्रशेज आपको एक ऐसा पाउच में मिल जाएगा, यू कैन कीप ऑल योर ब्रशेज इन दिस व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, ताकि वो गंदा ना हो। लाइक द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ब्रशेज इज अमेजिंग, द हैंडल इज मेड ऑफ वुड, सो इसका क्वालिटी, हैंडल का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, प्लस इसका जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है। एंड धोने के बाद भी ये उतना, इसका जो हेयर है वो जल्दी निकलेगा नहीं। या आई थिंक यू आर गेटिंग 12 ब्रशेज फॉर ओनली 400 रुपीज़, आई थिंक और क्या चाहिए आपको। एंड प्लस जब आप ब्रशेज खरीदते हैं तो इट्स बेटर टू बाय इन सेट्स, बिकॉज अगर आप सिंगल ब्रशेज लेंगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो या आई हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दीज आउट, अगर आप ब्रश सेट खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद।